सो आप देख सकते हैं ये विंडो नेट हमने घर में ही स्टिच किया है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही यूजफुल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस विंडो नेट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नेट हमने रोल में ही ख़रीद लिया है क्योंकि हमें बहुत सारे विंडोज़ में लगानी है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, आपको इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिलता है। हमने इसे हार्डवेयर की दुकान से ख़रीदा है। फिर हमें लगेगा यहाँ पर वेलक्रो रोल, जिसे हुक टेप भी कहा जाता है। ये 25 मीटर का रोल आता है, इसे हमने पूरा एक रोल ख़रीद लिया है। आपको ये मीटर वाइज भी हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा, आपको जितना रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दिखने में कुछ ये इस तरीके का दिखता है। वेलक्रो हमें सेट में मिलता है, हुक टेप और लूप टेप। तो ये था हुक टेप। तो चलिए आप देख लेते हैं लूप टेप कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं ये है वेलक्रो रोल का लूप टेप। इसे भी हमने 25 मीटर का रोल लिया है। छूने में आप फील कर सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। और हमें साथ ही साथ लगेगा मेजरिंग स्केल, मेजरिंग टेप, मार्कर, मार्किंग चॉक और सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही हमने यहाँ पे सैटिन रिबन लिया है। ये हमने नेट के कलर का ही लिया है, जिसे हम नेट के कॉर्नर्स में स्टिच करेंगे, जिससे नेट की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बगैर भी नेट स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि विंडो का मेजरमेंट हमें कैसे करना है और नेट की कटिंग हमें कैसे करनी है। हमारा विंडो 3x4 फीट का है, तो हम नीचे से विंडो की चौड़ाई मेजरमेंट कर लेते हैं। विंडो के फ्रेम से आधा इंच कम लेके हम मार्क लगाएंगे, जो कि है 35 इंच पे। चलिए विंडो की लंबाई मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 47 इंच पे मार्क लगाया है। तो चलिए अब हम नेट में मार्किंग लगा लेते हैं। तो नेट को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो ये है नेट की चौड़ाई और ये है नेट की लंबाई। चौड़ाई में हम मार्जिंग टेप को रख कर 35 इंच पे मार्क लगा लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और दूसरी साइड की चौड़ाई में भी हम इस तरीके से 35 इंच पे मार्क लगा लेंगे। एक मार्क सेंटर में भी लगा लेंगे। फिर हम स्केल की मदद से इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया था, तो मार्क को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम इस सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। तो चलिए हम नेट के हाइट पे मार्क कर लेते हैं। देख सकते हैं नेट में ऑलरेडी यहाँ पे ब्लू लाइन का मार्क दिया है, तो हम टेप रख के इस तरीके से 47 इंच पे मार्क लगा लेंगे। तो दोनों साइड से हम एक्स्ट्रा पीसेस को कट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे वेलक्रो का लूप टेप ले लेंगे, ये सॉफ्ट होता है। वेलक्रो को हम नेट में स्टिच करेंगे। अब हम नेट में वेलक्रो को रख कर इस तरीके से वेलक्रो में मार्क लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। नेट के चारों साइड्स में वेलक्रो को रखकर हम 4 पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 इंच के हमने 2 पीसेस कट कर लिए और 35 इंच के 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अब ये है वेलक्रो का हुक टेप। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे में स्टिक हो जाते हैं इस तरीके से। और इस हुक टेप के भी हमें 4 पीसेस कट कर लेनी है, जिन्हें हम बाद में विंडो के फ्रेम में फिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेट में हम वेलक्रो कैसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेट ले लिया है और वेलक्रो लिया है। ये वेलक्रो लूप टेप वाला है, जो कि स्मूथ रहता है। और साथ ही हमें सैटिन रिबन लेना है। तो नेट में हमें वेलक्रो को इस तरीके से ऊपर साइड पे रखना है और रिबन को इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करना है, क्योंकि रिबन से धागे निकलने लगते हैं। इसलिए हम इस तरीके से फोल्ड करके नेट के बैक साइड पे इस तरीके से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले हमने वेलक्रो लगाया है, फिर नेट है और ये है रिबन। रिबन आप देख सकते हैं चिकना जो साइड है, शाइनिंग वाला साइड, वो बाहर की तरफ है। इस तरीके से हमें लगा लेना है। और अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे इस तरीके से पकड़कर पिन लगा सकते हैं, जिससे आपको सिलाई करने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आप सिलाई करते होंगे तो डायरेक्ट भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लॉक करते हुए कॉर्नर में इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। पिन निकालते हुए हम ऐसे ही स्ट्रेट पूरा नेट के नीचे तक स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब हम नेट के एंड में आ जाएंगे सिलाई करते वक्त, तो हमें इस तरीके से रिबन को भी फोल्ड करना है। और वेलक्रो भी अगर एक्स्ट्रा हो तो इस तरीके से फोल्ड कर हम सिलाई कर लेंगे। नेट के एजेस को स्टिच करने के लिए आप इस तरीके से नेट में सुई को इस तरीके से लगे रहने दें और केयरफुली इसे टर्न करते हुए स्टिच कर लें, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से तो सिलाई कुछ इस तरीके की होगी। चलिए अब हम बाकी के साइड्स में भी वेलक्रो लगाकर स्टिच कर लेते हैं। सेम मेथड से इसे हमें लगाना है। वेलक्रो को हम नेट के ऊपर साइड पे रखेंगे इस तरीके से, फिर नेट के दूसरे साइड से इस तरीके से रिबन को फोल्ड करते हुए रखेंगे। आप देख सकते हैं ये रिबन का उल्टा साइड है, इसे ही हमें नेट की तरफ रखना है और रिबन का शाइनिंग साइड हमें नेट के दूसरी तरफ रखना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड्स में स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। तो कॉर्नर्स के मजबूती के लिए हम इस तरीके से इसे क्रॉस में और सिल लेंगे। फ्रेंड्स, रिबन का यूज़ करना ऑप्शनल है, पर रिबन लगाने से नेट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और रिबन नहीं लगाने से बार बार नेट का यूज़ करने से नेट कटने लगता है। इसी तरीके से चारों कॉर्नर में हम क्रॉस में सिल चुके हैं, जिससे नेट के कॉर्नर्स में मजबूती आ जाएगी। और आप देख सकते हैं चारों साइड्स में हमने रिबन और वेलक्रो को स्टिच भी कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं हुक वेलक्रो को भी हमने 4 पीसेस में कट कर लिया है। हुक वेलक्रो को विंडो में फिक्स करने के लिए हमें इस तरीके से स्मॉल साइज के खीले की जरूरत पड़ेगी। ये आपको इजिली हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि वेलक्रो को हमें विंडो में कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले हमने जो नेट स्टिच किया था उसी के साइज का हमें विंडो में मार्क लगा लेना है। फिर हमें लंबाई और चौड़ाई वाले वेलक्रो को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए खीले की मदद से फिक्स कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए खीले को फिक्स कर लेना है। और दूसरे वेलक्रो को अटैच करने के लिए आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से खीले से फिक्स कर देना है। इसी तरीके से हम विंडो के फ्रेम में चारों साइड्स में ऐसे ही वेलक्रो को फिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं विंडो के फ्रेम में हमने चारों साइड्स में वेलक्रो को अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। अब हमने जो नेट स्टिच किया था उसे वेलक्रो में इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। नेट के टॉप मोस्ट को हम सबसे पहले फिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से एडजस्ट करते हुए नेट को हम नीचे की तरफ लाएंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं नेट बिल्कुल विंडो में अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। इस तरह के नेट आपको ऑनलाइन या फिर मार्केट में भी रेडीमेड मिल जाते हैं, पर आप इसे घर में स्टिच करेंगे तो बहुत ही कम प्राइस में ये रेडी हो जाता है। इस नेट को लगाने के बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स। गर्मियों में हमें ठंडी ठंडी हवा आ सकती है और मॉस्किटो से भी बचा जा सकता है। विंडो को ओपन करना भी बहुत ही ईजी हो जाता है। आप इस तरीके से वेलक्रो से नेट को निकाल के विंडो को ईजिली ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रिबन लगाने से नेट में अलग ही एक लुक आ चुका है और नेट के एजेस की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ चुकी है, जिसे आप सालों साल यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे आप इजीली रिमूव करके वॉश भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।